अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम आज बनाने जा रहे हैं आलू चिकन। आलू चिकन बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है और मैंने इस चिकन को 5 मिनट पहले मैंने धो के और इसमें नींबू और हल्दी लगा के रखा है। इससे क्या होता है कि पीस टूटते नहीं हैं और अच्छे बन जाते हैं चिकन, तो इसलिए मैंने इसमें नींबू और थोड़ी सी हल्दी रखा है। ये दो बड़े आलू लिए हैं जिसने मैंने इस तरह से कट कर रखा है, क्योंकि मैंने चिकन आलू बनाना है तो इसीलिए हमने जितने चिकन लिए उतने आलू लिए हैं। और इसमें मैंने पेस्ट बना रखा है, इसमें मैंने लिया है लहसुन है और दो गाट लहसुन है, एक छोटी सी अदरक है और एक चम्मच काली मिर्च है। और मैंने ये प्याज लिया है, ये दो चेस पत्ते हैं, ये दालचीनी के टुकड़े हैं और ये और कुछ भूखे मसाले। अब यहाँ पे हम देखें दो चम्मच तेल डाल रखा है, सरसों का तेल है। अब यहाँ पे हम चिकन डालेंगे। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। ये मैं पहले चिकन फ्राई कर लेती हूँ। ये जल्दी गल जाता है और बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए हम सिंपल आलू चिकन बना रहे हैं। हमें पूरा तलना नहीं है, हल्का कच्चा पक्का पे रखना है, ये बस फ्राई करना है चिकन। ये हमारा चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया है, पूरा ब्राउन नहीं करना है चिकन को, क्योंकि चिकन ऐसे भी पूरा जल जाता है, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं जलाएंगे। अब जो मैंने आलू कट कर रखा है मैं इसको आलू को डाल दे रही हूँ। अब देख सकते हैं थोड़े आलू फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल लेते हैं आलू। यही तेल में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे दो चाय पत्ते, एक दालचीनी का टुकड़ा, ये थोड़े हरी मिर्च है जिसको मैंने दो पीस कट कर रखा है, तो ये कुछ प्याज है, हल्का सा हम ब्राउन कर लेते हैं। हम प्याज को थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, ये देख सकते हैं ब्राउन हो गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बना रखा था लहसुन अदरक और काली मिर्च का, अब हम इसे डाल देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भूखे मसाले डालते हैं। यहाँ पे धनिया का पाउडर है, एक चम्मच, ये हल्दी पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर हाफ चम्मच, ये थोड़े से गरम मसाले हैं। मेरे पास अभी नहीं था तो मैं ये पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ मार्केट का। आपके पास घर के गरम मसाले पीसे हुए होंगे तो आप वो यूज़ कर लेना। और यहाँ पे एक चम्मच नमक है, अब हम इसे भून लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं कि मसाला सटे नहीं और अच्छा बने। इसमें मसाले में अगर थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालो तो मसालों में जो खुशबू आती है ना, बहुत ही अच्छी आती है। कोई चीज़ बनाना है तो उसमें मसालों में अगर थोड़ा सा धनिया पत्ता का ये भूनो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है।
देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मेरा मसाला तेल छोड़ दिया है। कोई भी नॉनवेज बनाओ, मसाला अगर अच्छा भुनाता है तो बड़ा ही अच्छा बनता है। अब देख सकते हैं मेरा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने फ्राई करके रखा था चिकन आलू, हम सब डाल देंगे। इसे हम चला देते हैं। थोड़े से हम इसको मसाले में भूनने देंगे आलू चिकन को। देख सकते हैं मसाले में पूरा भुना चुका है आलू और चिकन। अब यहाँ पे हम थोड़े पानी डालेंगे, आधा गिलास और एक गिलास आप पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे नमक डालेंगे, थोड़े से नमक डालेंगे। यहाँ पे हम ढक देते हैं। फिर हम यहाँ पे ये हो गया है, मेरा बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा है, यहाँ पे ये डाल देते हैं धनिया। आप टेस्ट करके बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो आप लाइक करें हमारे रेसिपी को, शेयर करें और कमेंट करें।